ব্যাগ কিংবা পকেট থেকে পড়ে যায় মোবাইল, মূল্যবান জিনিস অথবা খোয়া যায় পাসপোর্ট, চিকিৎসার গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्मैन है, आप देख रहे हैं स्मैन रिएक्शंस। यहाँ पे जी बात करेंगे एक दफ़ा फिर इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान, जहाँ पे जो एक नया इशू जो है खड़ा हो चुका है बांग्लादेशियों की जीत का जश्न देख के इंडिया में यार काफ़ी हलचल मची हुई है। वेल, यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। एक एक ऐसा तबका है जो कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो है जो कंपेन है वो चला रहा है, साथ ही एक हिस्सा ऐसा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश के वेलकम की तैयारियां कर रहे हैं और बाकायदा बांग्लादेशियों को खुश आमदीद कहा जा रहा है कि बांग्लादेशियों पे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि हम जो टूरिस्ट बांग्लादेशी इंडिया में आएंगे, वेस्ट बंगाल में आएंगे, यहाँ का विज़िट करेंगे, तो हम उनको फुल अच्छी सर्विसेज जो हैं देंगे। यहाँ पे काफ़ी अच्छे और अहम किस्म के इंतज़ामात हैं जो कि बांग्लादेशी टूरिस्ट के लिए किए गए हैं। अब कौन कौन सी अहम चीज़ें हैं जिनको देखा जा रहा है, स्पेशली यहाँ पे जो सेफ्टी का इशू जो है वो बहुत ज़्यादा बना हुआ था। ठीक है, वेस्ट बंगाल में जब टूरिस्ट जाते थे तो वहाँ पे अक्सर उकात ऐसा होता था कि आपका पासपोर्ट भी छिन जाता था और आपके पास जो कैश होता था वो भी छिन जाता था। अब इसको लेके जो है ना बांग्लादेशियों को कहा जा रहा है कि आपको सेफ्टी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लाजमी जो है ना आए वेस्ट बंगाल इंडिया में। ठीक है, तो अभी ये मैं आप लोगों से रिपोर्ट शेयर करने वाली हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। यहाँ जी क्या किया गया है, रिपोर्ट आखिर तक देखें, इसके बाद मैं आप लोगों के साथ मज़ीद अहम पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेरे चैनल को जी लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें। अगर आप लोग मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक और फॉलो करें। तो चलते हैं जी, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। মধ্য কলকাতার নিউ মার্কেট এলাকার গুরুত্বপূর্ণ যে কয়েকটি রাস্তা রয়েছে এর মধ্যে সদর স্ট্রিট, রফিয়া মেদকিদা স্ট্রিট, মার্কুয়ে স্ট্রিট অন্যতম। আর এসব রাস্তার দুই ধারে রয়েছে অসংখ্য আবাসিক হোটেল, রেস্টুরেন্ট, বিপণী বিতান সহ প্রসাধনীর দোকান। নিয়মিত নানা কাজে কলকাতায় আসা বাংলাদেশিরা ছোটেন এদিক থেকে সেদিক, অনেক সময় হারান বাজার করে আনা ব্যাগ কিংবা পকেট থেকে পড়ে যায় মোবাইল, মূল্যবান জিনিস অথবা খোয়া যায় পাসপোর্ট, চিকিৎসার গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র। বিড়ম্বনা এড়াতে এবার এলাকায় মুড়ে দেওয়া হয়েছে সিসি ক্যামেরায়, বাড়ানো হয়েছে নজরদারি, পুরো এরিয়াটাকে আমরা সিসিটিভির মধ্যে কভারেজ করছি যেন কোনো রকম কোনো সমস্যা না হয়। এর আগে আমি দুইবার আসছিলাম কলকাতাতে, এটা আমার তৃতীয়বার। ভারতের নিরাপদতম শহরের মধ্যে কলকাতা সবার শীর্ষে রয়েছে, তবুও নিরাপত্তার প্রশ্নে কোনো আপোষ করতে চান না পুলিশ প্রশাসন সহ স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। উজ্জ্বলতার জন্য সেরা সাবান এখন মাত্র 55 টাকায়। এরকম ভাবেই মোড়ে মোড়ে স্থাপন করেছে সিসি ক্যামেরা, আর এর মধ্য দিয়েই সরাসরি নজরদারি চালাবে মার্কুয়ে স্ট্রিট, রফি আহমেদ কিস্কিদায় স্ট্রিট সহ এই অঞ্চলের ব্যবসায়ী সহ স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন। কলকাতার মার্কুয়ে স্ট্রিট থেকে সুব্রত আচার্য, সময় সংবাদ। ওকে জি, এয়ারপোর্ট আপ লোগোনে দেখি হ্যায়, ইয়াহাঁ পে জি বাংলাদেশি जो वेस्ट बंगाल जाते हैं घूमने फिरने के लिए, एंजॉय करने के लिए, उनके लिए जो सर्विसेज हैं उनको बेहतर किया जा रहा है। अब एक तरफ तो कुछ जो लोग हैं वो नेगेटिविटी को प्रमोट कर रहे हैं, इसमें जी कुछ बिजनेसमैन हैं वो भी कह रहे हैं जी हम बांग्लादेशियों की बुकिंग्स नहीं एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये वाले होटल्स जो हैं बांग्लादेशियों की बुकिंग्स नहीं एक्सेप्ट करने वाले, तो ऐसे में किसकी बुकिंग्स होंगी जिनकी वजह से इनके जो कारोबार हैं वो चलेंगे। सो आई थिंक ये कि बहुत ठीक है गलत किस्म का इनका डिसीजन है जो इन्होंने लिया है। वेल, आगे इन्होंने अपना जो
सर है वो भी पकड़ लिया है, क्योंकि जो चीज़ें अब हो रही हैं, ठीक है, जो होटल जिनकी जानिब से ठीक है ऐलान किया गया था कि वो बांग्लादेशियों की बुकिंग्स नहीं एक्सेप्ट करने वाले, तो अब यहाँ पे साथ ही अब देखें कि एक ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे लोगों का है जो कि बाकायदा बांग्लादेशियों की सुविधा के लिए काम कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि बांग्लादेशियों को कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, उसके लिए अहम किस्म के जो इंतजामात वो किए जा रहे हैं, हर जगह पे जो सीसीटीवी कैमरास हैं उनको नस्ब किया गया है और अब उसकी तादाद जो है बढ़ा दी गई है, एक वो सिचुएशन के जब हर तरफ जो है ये ठीक है इसको इस कंपेन को लॉन्च किया गया है कि बांग्लादेशियों को वीज़ा जो हैं स्टॉप किए जाएँ, बांग्लादेशियों की प्रोडक्ट्स नहीं बाय की जाएँ, तो ऐसे में जी ये बिजनेसमैन्स का तबका जो है वो बांग्लादेशियों की सपोर्ट, बांग्लादेशी टूरिस्ट को सर्व करने के लिए खड़ा हुआ है और यहाँ पे इन लोगों को भी अच्छी तरह से पता है कि अगर बांग्लादेशी हमारी होटल्स में नहीं आएंगे तो कौन आएगा, ठीक है, अब वेस्ट बंगाल में इंडिया के लोग तो ऐसा नहीं आते, जितनी बड़ी तादाद में बांग्लादेशी इन होटल्स में जाते हैं वहाँ पे स्टे करते हैं और जिसकी वजह से इनका पूरा का पूरा कारोबार जो है वो डिपेंड करता है बांग्लादेशी टूरिस्ट पे, तो ये चीज़ जो है एक अकल रखने वाला इंसान जो है वो बाकायदा अंडरस्टैंड कर सकता है कि यहाँ पे अगर आना ही बांग्लादेशियों ने है, बांग्लादेशी टूरिस्ट की ही जगह है, तो अगर हम उनको बायकॉट कर देंगे तो हमारा बिजनेस तो स्टैंड नहीं कर सकेगा, ठीक है, तो यही वजह है कि बड़ी तादाद में जो बिजनेसमैन्स हैं उन्होंने बांग्लादेश के बारे में ऐसा सच कोई बात नहीं की है और वो बाकायदा अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश रखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि चंद एक लोगों की वजह से वो ठीक है कोई ऐसा फैसला लें कि जी उनका बिजनेस जो है उसका पट्टा जो है बैठ जाए और वो पूरा का पूरा जो है डिस्ट्रॉय हो जाए, यही वजह है कि उनकी जानिब से ये चीज़ें करवाई जा रही हैं और बाकायदा न्यूज़ मीडिया में और बाकायदा इनके मालिकान जो हैं मीडिया टॉक्स कर रहे हैं, चैनल्स पर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम यहाँ पे जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको फुली प्रोटेक्शन जो है फ्राहम कर रहे हैं, तो ऐसा कोई ताकि उनको इश्यू फेस ना करना पड़े, तो ये चीज़ अभी आप लोगों ने देखी है और अभी बड़ी तादाद में वेस्ट बंगाल में बांग्लादेशी मौजूद हैं, स्टिल बांग्लादेशी आई डोंट नो इंडिया जाते हैं या नहीं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में ट्रेडर्स हैं जो कि वेस्ट बंगाल जाते हैं, तो इस लिहाज से आई थिंक जाना आना बांग्लादेशियों का बना रहता है और इसकी वजह से वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं उनको भी काफ़ी फ़ायदा होता है, ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ सामने आई है आप लोगों का इस पर जो भी ठीक है एनालिसिस है आप लोग लाजमी शेयर करें कॉमेंट सेक्शन में, वीडियो को आप लोग लाजमी लाइक करें, लाइक का बटन सामने उसे जल्दी से क्लिक करें, वीडियो को लाजमी शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करें, अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक और फॉलो करें, आई विल सी यू गाइस टिल देन, टेक केयर।